मेरे पड़ोसी आ औखे चौके काम आते मैं इन्हों का पूरा साथ दिता से मैनू तो कहते कहते तेरी जुत्ती जो अभी पानी पी ली है सारी उम्र तभी थोड़ा आसान नहीं दे सकते पर मैनू की पता इन्होंने आसान देना उन्होंने हवाला च बंद कर दो मेरे पिछे हाथ बन दो मैं उन्होंने कोई कुटना नहीं मैं मारना नहीं मैंने दो गल कर लो मैं पता लग जाए मेरी गलती की है सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ प्रवलीन कौर। बीते दिन लुधियाने दे विच इक शिमलापुरी दे इलाके दे विच इक दर्दनाक हादसा होया सी जिस नूं सुन के हर एक इंसान की रूह कंब उठी है। हादसा कुछ इदा का सगा कि गवांडी जिहड़ी सीगी उसने एक बच्ची 2.5 साल की बच्ची का कतल कर दिता तो उसनों लैके ही अज भारत नगर चौंक के कैंडल मार्च की जा रही है। लोग इतने इकट्ठे हुए हुए हैं ताकि उस बच्ची जिहड़ा इंसाफ मिले तो जिहड़ी औरत है दोषी औरत है उसनों जिहड़ी सज़ा मिल सके। तो आप गलबात करके देखते हैं लोगों के कितना कु रोस है इस चीज़ को लैके। सत श्री अकाल सर, अज कैंडल मार्च की जा रही है तुम कुछ कहना चाहते हो भी तुम्हें लगता है इस तरह उस इंसाफ मिलेगा उस बच्ची? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इंसाफ जिहड़ा सानू असी कानून पसंद बंदे आ सानू सरकार तो प्रशासन तो इस गल दी उम्मीद है भी है ते आस भी है कि जिहड़ा ये जिस घिनौना काम जिस औरत ने किया 4 दिन के रिमांड तो बाद अज पेश किया गया सीगा ते सानू सरकार अगे भी बेनती है ते सानू आश्वासन भी हैगा वा कि सरकार इहदे ते जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट के लैके जाके ते इहदे ते जिहड़ा अपना ओपीनियन वो जल्दी देगा ता जो जिहड़ी फन जिहड़ी सज़ा संगत मंग रही है या परिवार के लोग मंग रहे हैं फांसी की सज़ा तो वो सानू जल्दी मिलेगी उनका आर्डर जल्दी मिलेगा। देखा जाए भी इन्ना कु प्रॉब्लम वधी उस चीज़ के एक इन्नी कु दुश्मनी उस औरत ने निभाई भी एक छोटी 2.5 साल की बच्ची का कतल कर दिता बेरहमी के नाल कतल कर दिता भी इस तरह तुम कंटिन्यू रखोगे जब तक उन्होंने सज़ा नहीं मिलती? बिल्कुल मैम, साडा जिहड़ा प्रोटेस्ट रहेगा ये उदों तक रहेगा जब तक उन्होंने सज़ा नहीं मिलती। लेकिन सानू असी इस गल तो आसमंद भी असी सीपी साहब भी मिल के आए थे तो आसमंद भी है कि जल्दी जल्दी कानून बन के इन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी ता जो जिन्ना दे घर का जी चला गया असी सानू दुख है 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का जिन्ना दे घर का बच्चा चला गया 2.5 साल का फुल सीगा जिहड़ा वो उनदियां गल्लां सुन के साडा रोना निकल गया असी रात दे खून दे आंसू रोंदे पे हाँ क्योंकि जिहड़ा फुल जिंदे घरों चला गया उन्होंने घरदियां दा की हाल होया उन्होंने जिहड़े मदर ने उन्होंने 3 दिनों तो कुछ भी खादा नहीं है सिर्फ लिक्विड दे ते रो रो के कहिंदे मैं साडी मेरी दिल जोत लिया मेरी दिल जोत लिया उन्होंने आने वाले टाइम के उन्होंने की हाल होएगा असी ये चीज़ सोच भी नहीं सकते तो चीज़ सोच के साडा रूह कंबदी है। धन्यवाद जी बहुत बहुत। तो तुसी देख सकते हो भी किस हिसाब नाल जिहड़ा रोस लोगों के देखने मिल रहा है बहुत बेरहमी के नाल एक बच्ची का कतल किया गया सी दिल रोज नाम बच्ची का कतल किया गया सी 2.5 साल की उम्र के विच। सत श्री अकाल सर, सर इन्नी बेरहमी के नाल एक बच्ची का कतल होया तो हुण उसका इंसाफ जिहड़ा तुसी मंग करते हो इंसाफ की तो अज कैंडल मार्च कढ़ी जा रही है की कहना चाहते हो? इंसाफ तो यही है जी कि उन्होंने फांसी होनी चाहिए आ विदाउट फांसी का कोई हल है ही नहीं जी क्योंकि दूजे बंदे नूं सीधा तां ही मिलू जे इहनूं फांसी मिलेगी क्योंकि अजकल किसी के कोल कानून का डर ही नहीं है डर तां ही पैदा हो सकता जे इन्हां नूं फांसी मिले क्योंकि एक मासूम बच्ची नाल इहो जिहा कुछ कर देना अपने खुद आपां जवाकां वाले हां जी आपां की सोचदे हां देखो इन्नी बेरहमी नाल जे उहदा कतल किया गया भी दुश्मनी इन्नी कु ज़्यादा भरी हुई सी उस औरत दे दिल दे अंदर इन्नी कु नफरत सीगी उसके प्रति भी इन्नी बेरहमी दे नाल उसका कतल कर दिया। देखो जी आपां अपने जवाक बाहर कढ़न जोगे नहीं हैगे आप विश्वास कितने करते हैं सब तो पहले गुआढ़ियों पर विश्वास करते हैं ठीक है जे गुआढ़ी यह जे निकल जाए रिश्तेदार अपने बाद चो आ गुआढ़ी पहला आते हैं जे गुआढ़ी अपने यह जे निकल जाए आप विश्वास कितने करा
तो विश्वास आपां बनिया तां ही रह सकदा जे इहनूं सज़ा मिलेगी। इहनूं सज़ा मिलेगी तो अगले बंदे पहलां देखणगे कुछ के हाँ भी कुछ करन तों पहलां कोई सोचणगे। लगता है इस तरह जे तुसीं कैंडल मार्च किया या इंसाफ का जो मंग कर रहे हो इस चीज़ के नाल बच्ची शांति बच्ची की आत्मा शांति मिलेगी? देखो जरूर शांति मिलेगी, उन्हें असं दिलासा दे सकते हैं, वह वापस तो नहीं आ सकती दिलासा ना पूरा होने वाला जो घाटा। हाँ वह तो पूरा हो ही नहीं सकता जी, साढ़े हाथों से खेडी हुई है वह बच्ची, असं दिलासा जी दे सकते हैं एक अपने उन्होंने गुआढ़ी हाँ जी नाल असं आप भी चौथा घर साढ़ा जी अगे अच्छ तो पहला भी इदा तो कुछ इदा तो होया भी सोचे ही नहीं जी कदे इतने साडे एरिए कदे सुने ही नहीं है कुछ। उस औरत ने कतल किया उस तो पहला उन्होंने कोई खटमीट पहला तो चलती आ रही थी? कुछ नहीं सी खटमीट जी कुछ नहीं, असं ना देने सानू उत्थे 40-40 साल हो गए रेंदे नू अदे कदे कुछ है ही नहीं सी। माड़ा मोटा बंदा हुण पार्किंग लई चल गड्डी खड़ाती मोटर ये च कोई ये थोड़ी है कि जवाक मार देंगे जी आप, सिर्फ गड्डी खड़ी करते आप कह दी एक्टिवा साइड से करो असी गड्डी कटनी आ, ये तो कोई खुंदक हो ही नहीं जी। जिहड़ी चीज़ सी एकदम इन्ना कु उन्हां विच क्रोध आया भी उन्होंने एक बच्ची की जान ले ली, पता नहीं वो अपने दिल च की रख के बैठी सी कि उन्हें जिंदा दबदा बच्ची ने उन्हें मासा तस नहीं आया, वो आप दे छोटे छोटे बच्चे आ जिन्हें किया घलाना काम हूँ उन्होंने बच्चों का कुछ उसे कहना है भी साड़ी माँ वालों हरकत की गई? नहीं उदो हजे कुछ भी नहीं आया है जी, कोई बयान नहीं आया, यह है कि लेडीज़ कह रही है कि मेरे तो गलती होगी, बट ये गलती होंगी है जी, ये गलती होंगी है जे आप जिंदा ही आप दफना ही दईए उन्होंने गलती है जी, ये दसो अपने आप खुद बच्चों ने जी आप मेरा 1.5 साल का बच्चा उन्हें हमेशा खेलता रहता सी जी। तां तुसी देख सकते हो किस तरह जेडे भारत नगर चौंक के लुधियाने के भारत नगर चौंक के कैंडल मार्च जी की जा रही है बच्ची को इंसाफ दिलवाने वास्ते, क्योंकि जेड़ा घिनौनी हरकत उस औरत वालों की गई है शायद उसका घाटा बच्ची के परिवार को कभी भी ना पूरा हो सके, पर हाँ एक इंसाफ की मंग लोगों वालों की जा रही भी एक इंसाफ एक दिलासा जोड़ा उसके परिवार को दिता जाए, क्योंकि ये हादसा ना कभी सुनिया होगा ना किसी ने कभी देखा होगा, पर हूँ जो लुधियाने के वापरिया है तो इंसाफ की मंग जी है की जा रही है। सत श्री अकाल जी सर, अज इंसाफ की मंग वास्ते एक कैंडल मार्च की जा रही है, तुहानू लगता है इस चीज़ नाल बच्ची नू जिहड़ा है उसकी आत्मा नू शांति मिलेगी या परिवार नू दिलासा मिलेगा? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। देखो अत ते खुदा दा वैर हुंदा, उन्हें अत किनू कहिंदी है जिहदा कोई धर्म नहीं गा, जिस तरह इस औरत ने किया दुष्ट पापन ने किया 2.5 साल की बच्ची का बेरहमी के नाल कतल किया, उन्हें जमीन दे विच उहदा पहला उहदे मूँह च मिट्टी पाई गई तो फिर उन्हों सिर च इट्टा मार के तो उन्हों दफना दिता गया जिंदा बच्ची नू ते लत्तां उहदियां बाहर नू कटतियां। सो इस तरह बेरहमी ने जिस तरह इहदा कतल किया गया, यह जो लोगों अतवादी किया जाता अत किया जाता तो अत ते खुदा दा वैर हुंदा ते इंसाफ जरूर मिलेगा। अज का जो कैंडल मार्च असीं रोस मार्च कढ रहे हां भारत नगर चौंक तो लैके जगराऊं पुल तक उस बच्ची नू इंसाफ दवाने लई, उस औरत नू फांसी दी सज़ा दवाने दे लई। लगता है प्रशासन इस उत्ते कोई एक्शन लेगा भी जिवें तुसीं मार्च कढ़ी है अगों भी तुसीं इदां दा कुछ करदे रहोगे कि इंसाफ जिहड़ा है उस नू मिले? बिल्कुल देखो प्रशासन अपना काम कर चुकिया है, उहदी गिरफ्तारी हो चुकी है, उहदा वारंट भी 2 दिन का रिमांड भी लिया गया सीगा ते उत्ते परचा दर्ज हो चुका है, हुण कोर्ट का काम है। असी पंजाब सरकार तो चन्नी साहब तो जिन्होंने बहुत चंगे काम किए पंजाब के जद सीएम बने ने असी उन्होंने कार्य शलाघा करते हैं, लेकिन उन्होंने तो मंग करते हैं कि इस बच्ची नू इंसाफ दिता जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के इनू फांसी तो घट सज़ा ना दी जाए, साढ़े अज के रोस मार्च की साड़ी मंग है। तो और मैं चन्नी साहब तो दूसरी ये भी मंग कराँगा जो पंजाब सरकार ये 2017 च आई सी लोगों भरोसे उन्होंने लैके सरके लैके आए थे कि इतने असी जे गुरु ग्रंथ साहब के दोषी ने जिन्होंने बेदबियां कीतियां उन्होंने असी सख्त तो सख्त सजावं देवे तो सिटांगे। अज लगभग 5 साल होने वाले है इन्हों का जोड़ा समा पूरा होने वाला सरकार का, तो हजे तक इन्होंने दोषी गिरफ़्तार नहीं किए। सो साड़ी यह भी मंग है कि दोषियों जे गुरु ग्रंथ साहब बेदबियां कीतियां अनिल अरोड़ा वर्गे जेडे इन्हों
ਨਲੈਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਦਬੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਚਿੱਟੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆਪਣੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਐਸਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਲਾ ਕੇ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਓ ਕਿ ਚੁਰਾਹੇ ਖੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤੰਤਰਿਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲੁੰਦੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਹੇ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਤੇ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰੁਕਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਲੀਨ ਕੌਰ।